आर्थर रोड जेल रो मुकुलिले शिवसेना सांसद संजय राउत जेल रो मुकुली वर्तमान कौन राजनीति चेंज आसुची महाराष्ट्र कथा बुधवार पात्रचल दुर्नीति मामलें पीएमएलए कोर्ट जमीन देते शिवसेना राज्यसभा सांसद संजय राउत को आश्वस्ति मिला 102 दिन पर संजय राउत को जमीन ये हूँ से दृश्य जेल रु आर्थर रोड जेल जो बाहर सी संजय राउत और ये भव्य स्वागत संबोधन कर प्रवीण राउत भाई प्रवीण राउत को जमीन मिली ए फैसला को बॉम्बे हाईकोर्ट ने चैलेंज कर प्रवर्तन निर्देशालय जस्टिस भारत डांगरे यार शुणा आसंता काली करेंगे जेल रु मुकुलवा आदेश पर तुरंत रोक लगे कोर्ट मना कर संजय राउत जेल रु बाहर को आसवा भिड समय सी हो भिड शिवसेना कार्यकर्ता मुहूर्त को सेलिब्रेट कर आर्थर रोड जेल बाहर बहु संख्य शिवसेना कर्मी जमा होते संजय राउत जेल रु बाहर मात्र बाण फुटाई बाजा बजे स्वागत करते परस्पर को अभीर बोलते अधीन होली मनाई संजय राउत मैं कारु बाहर को अभिवादन स्वीकार कर राउत घरे सेलिब्रेशन माहौल जेल रु बाहर पर सीधा उद्धव ठाकरे पाखक जिबे चर्चा होती डाक्तरखाना जिबे स्वास्थ्य अवस्था भल ना उद्धव ठाकरे नेतृत्व में शिवसेना क्यांप कही टाइगर इज बैक बोली नारा दौरान वर्तमान कहीं जहाँ राजनीतिक समीकरण महाराष्ट्र में चली संजय राउत जदि था हुए तो ये समीकरण किसी अलग ही था चर्चा राजनीतिक माहौल में चर्चा से कहते टाइगर इज बैक ईडी संजय राउत को गत अगस्ट 1 रे गिरफ्त करता पूर्व 9 घंटा जेरा कर संजय राउत को ईडी जून 28 रे मध्य जेरा करता ईडी बासभवन पर रेड करता 11.5 कोटी नगद टंका ईडी को मिलता ना संजय राउत ना तांको परिवार लोके यही अर्थर सोर्स कहीपारे कई कहीपार ना टंका कौटू आसला यह मामलें गत एप्रिल ईडी संजय राउत पत्नी वर्षा राउत और घनिष्ठ सहयोगी को जेरा कर 11 कोटी 15 लक्ष टंकार संपत्ति ईडी जबत कर संजय विरोध में 1,049 कोटी टंकार जो पात्रचल जमी दुर्नीति मामला अभियोग रही अभियोग ईडी तांको जेरा करता ये होती स्थिति जमीन मिली जमीन को सॉलिसिटर जनरल चैलेंज कर जमीन पर रोक लगे कहुई कि आसंता काली तार शुणी हो कि भाई को दुजों जमीन मिल सारी पात्रचल मामलें से गिरफ्त होते संजय राउत ईडी गिरफ्त करता कि फेरवा बेले टाइगर इज बैक नारा दौरान समस्ते टाइगर इज बैक नारा दौरान कर्मी कहीं शिवसेना बर्तमान जो दिभाग में विभक्त होती बर्तमान स्थिति अलग प्रकार अच्छी जदि राजनीतिक माल चर्चा जदि संजय राउत बाहर थांते जदि सीए एमती ईडी प्रेशर न था हे तो समीकरण किसी अलग ही था हे तो उद्धव ठाकरे सरकार बची जा पार्ता हे तो उद्धव ठाकरे पद तो चेयरटा बची पारि था कहुच्छे एकनाथ शिंदे ग्रुप एत पावरफुल हो पारि न था चर्चा किंतु प्रकृत में मामला कौन प्रकृत मैटर कौन आगे जना पड़ वर्तमान तो संजय राउत बाहर को आसिले आसंता काली बेल पर शुणा अच्छी प्रकृत लोक लगुच कि ना तो सफल कथा किंतु जेल रु बाहरी शिवसेना नेता संजय राउत मुंबईर पीएमएलए कोर्ट जमीन दे संजय सहित भाई प्रवीण राउत जमान पाई पात्रचल जमी घोटाला को नहीं ईडी गत जुलाई 31 तारीख में गिरफ्त कर देखते शिवसेना नेता तथा राज्यसभा सांसद संजय राउत को कोर्ट को पक्षर मिली बड़ आश्वस्ति मुंबईर पीएमएलए कोर्ट जमीन प्रदान कर संजय सहित भाई प्रवीण राउत को जमानत देखते पात्रचल जमी घोटाला को नहीं प्रवर्तन निर्देशालय संजय राउत को गत जुलाई 31 तारीख में गिरफ्त कर सेपटे सॉलिसिटर जनरल जमीन को रोकने लगी दावी कर आसंता काली शुणी हो बुधवार मुंबईर पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत जमीन आवेदन पर शुणी होता पात्राचल जमी घोटाला अभियुक्त संजय राउत जमीन आवेदन को नहीं दीर्घ समय धरी शुणी होता और कोर्ट संजय राउत को जमीन प्रदान करते सेपटे जमीन मिलवा पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल कोर्ट का आदेश को किसी समय पर रोक आवेदन करते इस समय मधे ईडी सुप्रीम कोर्ट रे आदेश को चैलेंज करोर्ट को कही किंतु बुधवार अपराह्न 3टा पीएमएलए कोर्ट संजय को 2 लाख टंका मुचालिकार जमीन देवा आदेश देते किंतु अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आवेदन को खारज कर दी जाए यहपर प्रवर्तन निर्देशालय पात्रा घोटाला को नहीं संजय राउत को मिलता जमीन को विरोध कर मुंबई हाईकोर्ट को द्वारस्थ होते अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय को मिलता जमीन रोकवा कोर्ट को आगे दावी करते जस्टिस भारती डंगर का सिंगल बेंच शुणी करते कि गुरुवार दिन पुणी शुणी करने को निर्देश देते हैं जहां जमापड़ी हाइकोर्ट संजय राउत जमीन को विरोध कर प्रवर्तन निर्देशालय कर अपील को एक प्रकार खारज कर मुंबईर आर्थर रोड जेल में शिवसेना नेता संजय राउत जेल अधिकारी सूचना मुताबक जमीन संपर्क में अर्डर आसवर 2 घंटा पर संजय को जेल रु बाहर
कागजपत्र जांच करने छड़ा तेरे गत अगस्ट एक तारीख ए जाए शहे अधिक दिन है संजय राउत आर्थर रोड जेल में मुंबई स्थित पात्राचल जमी घोटाला को नहीं नाँ मनी लॉन्ड्रिंग मामला कर पात्राचल में पूर्ण विकास को नहीं प्रकल्प आर्थिक अनियमितता दुर्नीति को नहीं ईडी गिरफ्त कर पात्राचल जमी विकास पुनर्विकास प्रकल्प 1034 कोटी टंका हेरफेर होता अभियोग रही मामलें संजय राउत को जमीन मिलवा पर शिवसेना उद्धव ठाकरे क्या खूब उत्साहित होती ठाकरे क्या नेता बाण फुटाई बाजा बजाई उत्सव मनाई टाइगर फेरुछन्ते बोली शिवसेना नेता कहते खुद उद्धव ठाकरे खूब उत्साहित होता देखा मिली एनसीपी नेता एक सत्यर जीत बोली आनंदी है पिंजरे में से शेर बाहर आ रहा है आप किसको पंजा मारेगा पता नहीं घर में खुशी का माहौल है मुझे पता नहीं 102 बुखार अभी उनको आएगा तेरे संजय राउत जे केवल शिवसेनार कुहाड़ी नेता ता नुहे शिवसेनार मुखपत्र सामनार मध्य से संपादक जेल रे थिबा बेले मध्य सेठारु रही सामनार ताकर मतामत देउथे पूरा आक्टिव थे महाराष्ट्र भांगी जैतिबा मो आघाड़ी मेंटर मुख्य संयोजक भाबे काम करथे एनसीपी और कांग्रेस सह तोड़जोड़ राजनीति करी सरकार चलाइबार तांकर अवदान खूब थिला किंतु तांकर अनुपस्थित रे उद्धव ठाकरे सरकार भांगीबा सह शिवसेनार फाट आ एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होइछ तेणु बाहर को आसीबा परे महाराष्ट्र राजनीति आउ किछि दाव पेच खेली पारंथे बोली कहा जमीन आम रिएक्शन शुणुले नेता पिंजरा में से शेर बाहर आ रहा है किसको पंजा मारेगा पता नहीं जो बेले से कहते ठीक से राजनीति में किसी भी पारे महाराष्ट्र राजनीति आगे कौन हलचल आसपे नजर पकड़े तथ्य मध्य बुझाक चेस्टा करेंगे प्रकृत में कौन आगक घटी पारे कौन आगक स्थिति रही पारे टी तथ्य मध्य बुझाक चेस्टा करवा कहीं कहु संजय राउत बाहर को बाहरला वर्तमान महाराष्ट्र समीकरण कौन हम मुंबई उपनगर सिद्धार्थनगर रही है 47 एकर जमीष्ट पात्राचल जो थे 662 पर भड़ा रोते कौन रही मामला टी बुझा 2008 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पुनर्विकास लगे प्लान करता दुईट घर कंपनी एचडीआईएल और जीएसपीएल को एक काम दि जाता से मेन्टेन्स कम करेंगे 672 पर फ्लाट करदे कंपनी सहित अनुमति देता एग्रीमेंट होता किंतु कंपनी घर या बिक्री कर देता जो पर एग्रीमेंट करते पाइले 1034 कोटी टंका घोटाला होता अभियोग होता जो थे ना आसला संजय राउत यह मामलें संजय राउत संप्रति ईडी अभियोग करता और ताकू तदंत आरंभ है और ता परिस्थिति जहाँ आपने देखुंट